हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधु। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम कुछ रस्म कर रहे हैं। तो आज है हमारा छठियार, जो कि 6 दिन पे होता है और 5 दिन पे मैं हॉस्पिटल से आई थी, छठम दिन छठियार था। तो सारा रस्म हमारे सासू माँ यहाँ पर करेंगी। तो यहाँ पर जो है ये रस्म नाई के द्वारा कराया जाता है। तो मेरे घर में मुझे नाई का कोई जान पहचान में नहीं था, तो हम नाई नहीं बजाए हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से हम करेंगे घर में। तो सीजर हुआ है तो हम चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, और नाई नहीं है तो हम लोग खुद से नाखून को काट लेंगे। और जो है आगे का जो है प्रोसेस आपको देखने को मिलता रहेगा। तो हम जो चेयर पे बैठे हैं वहाँ पर ये दुईब धान बांस का पत्ता, जिससे हम लोग का बोलते हैं बंस बढ़ता है, बंस मतलब आपका जनरेशन आगे बढ़ेगा, ऐसे कुछ रीति रिवाज है। तो यहाँ पर हम नाखून काट रहे हैं। नाखून काटने के बाद कलर लगाया जाएगा। तो कलर जो है हम अभी झुक नहीं पा रहे हैं, तो सासू माँ लगा देगी कलर। तो अभी जो है बॉडी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, तो इसलिए बच्चे को सासू माँ अच्छे से पकड़ के रखिए, जो कहीं गिर भीर ना जाए, बच्चे भी बहुत छोटा है। तो नेल कट हो गया है, उसके बाद कलर लगाया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग के यहाँ छठियार में दिन में ही हो जाता है ये, और छठियार पूजा जाता है रात में। अभी आज जो है जो नहाएंगे हम, तो हमारा तो हॉस्पिटल में हुआ था सीजर करके, तो वहाँ पर तो स्पॉन्ज बाथ दे ही देता था, लेकिन आज जो है जो हेड वॉश करेंगे और बच्चे को भी नहलाया जाता है। तो वहाँ पर बच्चे को भी स्पॉन्ज बाथ दिया जाता था और मुझे भी। तो नहा आज पानी से नहाएंगे, हेड वॉश करेंगे और स्पॉन्ज बाथ ही लेंगे घर में, और बच्चे को भी स्पॉन्ज बाथ ही देंगे, और लेकिन अच्छे से करवा देंगे, अच्छे से साफ सुफ करके। नया ड्रेस, दिन में नया ड्रेस तो नहीं पहनते हैं, जो ड्रेस रहता है वही पुराना वाला। और रात को पूजा होता है, जो कि आगे आपको देखने को ही मिलेगा, तो वो अभी हो रहा है। तो हम लोग के यहाँ जब नाखून काटते हैं तो अलता लगा देते हैं, उसके बाद फिर ये होता है। तो देख सकते हो छोटी सी क्यूटी को, तो जो कि उसका सर ना बहुत अजीब सा था, तो अभी भी है, अब जाके ठीक हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत छोटी भी थी। और हमारे घर में ज़्यादा मेंबर नहीं है, इसलिए सासू माँ ही कलर लगा दे रही है। अगर कोई और होता तो दूसरा कोई लगा देता, और मैं तो झुक नहीं पा रही हूँ, तो इस वजह से सासू माँ ही मेरे पैर को कलर कर रही हैं। और आज के दिन काम भी बहुत, हम लोग में बहुत सारा विधि विधान होता है, बहुत रस्म होता है। तो जो कि हम लोग मैथिली बिहार से बिलोंग करते हैं, और मैथिली है, मैथिल है, तो मैथिली में बहुत रस्म होता है, बहुत विधि होता है, सबका अपना अपना रस्म होता है। हम लोग में भी बहुत सारा ये होता है, तो हम पूरा फॉलो कर रहे हैं अपने कल्चर को, अपने कल्चर को हमेशा फॉलो करना चाहिए, तो वही कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, जो बच्चे को भी कलर थोड़ा सा लगा देते हैं, तो उसको भी लगाया जाएगा थोड़ा सा नाखून में, और ऐसे करके लगाया जाता है, तो हल्का सा लगा देंगे, क्योंकि ये तो प्री मेच्योर है, सब कुछ डर ही लगता है। वैसे भी छोटे बच्चे से इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है, बट थोड़ा सा हम लोग लगा दिए हैं। उसके बाद ये भी नाई नाई करेगी, हम भी करेंगे, और एक तरह से हम ये जो वीडियो बना रहे हैं तो एक मोमेंट भी हमारा कैप्चर हो जाएगा, और भविष्य में कभी किसी को हमारा रस्म का ज़रूरत पड़ेगा तो वो इसमें से देख के कर सकता है इस छठियार पूजन, जो क्या क्या होता है। देखिए ये सारे बिहारी विधि प्रोग्राम था, जैसे आप तो बड़े बाबू वहाँ गाँव छाने बाबू हम।
तो यहाँ पर जो है मेरा हेड वॉश हो रहा है, देख सकते हो, जो कि मेरे हस्बैंड ही कर दे रहे हैं। यहाँ पर पार्लर वालों को बुला नहीं सकते, और बाकी कैसे मैं करती तो वो मेरा हेल्प करवा रहे हैं। मैं बिस्तर पे जो है वाटरप्रूफ सीट बिछा दिए हैं, और वहाँ से, और हम सरसों का तेल अभी लगा रहे हैं तो येलो येलो पूरा ये निकल रहा है। और 5-6 दिन के बाद ही हमारा हेड वॉश हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी हॉस्पिटल में सिर्फ स्पॉन्ज बाथ ही दिया जा रहा था। तो हमारा हेड वॉश जो है अच्छे से हो जा रहा है। घर थोड़ा सा उधेसा पुधेसा है, क्योंकि कितना करेगा इंसान, जब ज़्यादा लोग रहते तो एक दो वो काम कर लिया, एक दो वो काम कर लिया। कम मेंबर रहता है तो थोड़ा सा काम तो बहुत रहता है, और मेंबर कम रहता है तो काम थोड़ा बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है बेबी का भी हो गया है, मेरे बच्ची का स्नान ध्यान हो गया है, स्पॉन्ज बाथ दिए थे पूरा अच्छे से। और फिर ड्रेस अभी जो है नॉर्मली पहना देंगे, और रात में जो न्यू ड्रेस पहन के रेडी होएगी, तो आप देखते रहो वीडियो। अगर अच्छा लगेगा हमारा मिथिला परिवार का कल्चर तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट भी करना, जिससे लोग भी देख पाए कैसे होता है हमारे यहाँ। आप शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और कमेंट में भी बता सकते हो। अगर आप मिथिला से हो और देख रहे हो तो वो भी बताना आप लोग के यहाँ कैसे होता है, क्योंकि हमारे मिथिला में भी हर घर में हर तरह से होता है। तो यहाँ पर जो है आज के रात हम में जो नया ड्रेस पहनेंगे उसमें हम लोग के यहाँ येल्लो ये माला बना के गर्दन में पहनते हैं, बच्चा और माँ भी। तो सासू माँ मुझे माला बनाने के लिए दी है, और बाकी हाथ पैर में जो बच्चा पहनेगा वो सासू माँ बनाई है। तो अभी हम वही बना रहे हैं, बैठ नहीं पा रही हूँ, अजीब ढंग से बैठी हुई हूँ। हमको आइडिया नहीं है हाथ में बांधोगे कि पैर में कि कहाँ पे। तो यहाँ पर हो गई है शाम, और जहाँ पर छठियार पूजा जाएगा वहाँ पर हमारे सासू माँ अर्पण डाल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्पण के बिना कोई भी काम शुभ काम नहीं होता है। तो अर्पण हर एक चीज़ में पड़ता है, और बाकी डेकोरेशन भी इसके पापा दीदी मिलके किए हैं यहाँ पर पूरा रोज और फ्लावर सब से। तो पीढ़ी पे भी अर्पण लगा के फिर वहाँ पर ही आप देखोगे ही कैसे करती हैं। तो पूरा अर्पण डालेंगे, और बहुत सारे रस्म जो कि काजल आज के दिन डालते हैं, काजल वाला भी ये वीडियो हमने बनाया, क्योंकि सासू माँ उधर काजल डाल दी थी और मुझे, मैं एक रूम में थी तो उधर मैं नहीं जा सकती थी इसलिए। और यहाँ पर भी जो बंस का होता है ना, तो बांस का बीन होता है हम लोग के यहाँ, तो वो सब बिछाया जाएगा जो कि आप देखोगे ही खुद ही। तो इसी को बोलते हैं बीएन, बीएन पे भी अर्पण लगा देंगे और वहाँ पर बिछा देंगे बीएन को, और उसी पे बच्चे को सुलाया जाएगा। तो जहाँ पर अर्पण डालते हैं वहाँ पर सादा नहीं रहता, उस पर सिंदूर भी लगा देते हैं। तो इस सब होने के बाद जो है मैं रेडी होके हमारे यहाँ खाना खाया जाता है। आज के दिन बहुत आइटम खाया जाता है खाना में, लेकिन मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, मेरा बीपी बहुत हाई चल रहा था, खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मेरा मन बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन बहुत रात हो गया था तो बोली कि बहुत रात और हो जाएगा, थोड़ा सा ही खा के अपना विधि कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को लेके खाना खाया जाएगा। चुक 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 करती है।
तो यहाँ पर जो है रेडी हो चुकी है बच्ची और बच्ची की दीदी, फोटो शूट चल रहा है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। पापा से पहनी करती है? नहीं, हमारे यहाँ येलो साड़ी पहनते हैं छठियार के दिन। यहाँ पर खोंच दिया जा रहा है, हम लोग के यहाँ खोंच भी बहुत प्रसिद्ध है, खोंच के बिना कोई शुभ काम नहीं होता है। तो खोंच डालने के बाद मतलब पूरा रस्म विधि शुरू ही है, सुबह से पूरा विधि ही चल रहा है। यहीं पर छठियार पूजेंगे, दीप वो पूरा पेज रखा जाता है जो कि आज के दिन भाग्य क्रम लिखा जाता है, वो उसके लिए पेज रखा जाता है। वहाँ पर दिया जल रहा है और ये लोटे में पानी है जो कि आप देखते रहो क्या क्या विधि होता है। ये एक विधि जो है ना वो पढ़ा भी जाएगा। एक यहाँ पर मैं फोटो खिंचा रही हूँ, यहाँ पर हम लोग के यहाँ सिंदूर से टीका लगाते हैं दीवार में, तो फोटो करना खींच हम दूर तो वही लगा रहे हैं। खुशी और मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। तो ये टीका लगाने वाला विधि खत्म। यहाँ पर बैठ के विधि करते हैं, बट मेरा पोजीशन उतना ठीक नहीं था तो हम चेयर पे बैठ के करते हैं, ध्यान का प्रकट नहीं तो नीचे में बैठ के करते हैं। ये बेटी क्या काले, यहाँ पर मंत्र पढ़ा जा रहा है। से हरा गेला तब गाय के बचाया, तब बुढ़िया कहलखिन बेटी हम तोरा भाई के आइन देव। अब यहाँ पर जो है बच्चे को पूरा ढक के रख देते हैं और देखते हैं जो बच्चा उठता है, टनटनाया जाएगा लोटा पे पानी जो रखा है उसको। तो अगर बच्चा नहीं उठा तो अच्छा माना जाता है, और उठ गया मतलब रोने लगा तो उतना अच्छा नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर वो नहीं उठी, अपना शांत ही सोई हुई थी। आज ही के दिन नाम भी रखाया जाता है, अच्छा से प्रणाम करते हैं, प्रणाम में जो बोला जाता है वो भगवान जी से वही बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है छठियार पूजन खत्म हो जाता है। ये होने के बाद बच्चे लेके फिर प्रणाम करके फिर अपना जो होगा फोटो तोटो खिंचाना रहेगा तो वो भी जाओ। वो अपन नाम को लेती तुझे ट्रिसल लड़ल से फोटो है हमारा शादी शादी में नहीं दादी को बुलाया हो? नहीं, दादू वॉशरूम है।
मैंने वहीं पर बोला था जो ये रस्म छठियार ख़त्म हो जाता, लेकिन एक रस्म ये भी होता है जो कि दिन में भी हुआ था और रात में भी हो रहा है, इसमें कमर से कहा जाता है। एक बार देखो इधर, ये दोनों मेरी की में दोनों मेरी लक्ष्मी है। दिखा तो बेटा मुँह दिखा अपना, बड़ी लक्ष्मी। हाँ और ये देखो छोटी प्यारी सी है, दिल बना।